रीवा जिले में हुए प्लेन क्रैश के मामले में जांच के लिए तीन अलग अलग टीमें पहुंची हैं। जानकारी के अनुसार प्लेन के अवशेष को चोरहटा एयरपोर्ट में रखा जाएगा। बता दें कि रीवा जिले में बीते गुरुवार की देर रात एक ट्रेनिंग प्लेन अचानक से क्रैश हो गया था। आशंका जताई जा रही थी कि विजिबिलिटी कम होने के चलते प्लेन के पायलट को लैंड करने के लिए सही लोकेशन नहीं मिल पाई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक एक पायलट की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा ट्रेनिंग पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसका इलाज जारी है। वहीं जांच के लिए पहुंची टीम हादसे की बारीकी से जांच करेगी। तो मामले को लेकर रीवा एसटीएम ने बताया कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दिल्ली, भोपाल, मुंबई से टीम आई हुई है। टीम के द्वारा फोटोग्राफी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जाँच टीम ने बताया कि विजिबिलिटी कम होने के चलते ये हादसा हुआ है। ये अभी जो जांच टीम है यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दिल्ली से और एयर सेफ्टी की जो टीम है ये मुंबई से आई हुई है। यहाँ पर ये लोग फोटोग्राफी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट के जो मलबे यहाँ पर पड़े हुए थे इससे ये लोग रिजल्ट निकालेंगे कि एक्सीडेंट के क्या रीज़न थे। प्राइमरली देखने में समझ में आता है कि विजिबिलिटी वॉज बिग रीज़न और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो सेफ्टी टीम होती है भोपाल से भी आई थी, ये सब लोग इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से डेटा कलेक्ट करके और इस पे रिजल्ट्स अपने लेंगे।